इस खेल में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। 18+ ओनली। सो गाइस, कल मेरा लॉस हुआ था पूरे 30,000 रुपए का एक्सप्लोरर स्लॉट गेम प्ले करके। तो मैंने फिर से 20,000 रुपए का रिचार्ज कर लिया गाइस, उसी आईडी में, उसी एप्लीकेशन में। तो यहीं से फिर से गेम स्टार्ट कर देते हैं। और 20,000 रुपए का रिचार्ज प्लस 30,000 का रिचार्ज, टोटल 50,000 रुपए का मैंने रिचार्ज कर लिया है। स्टार्टिंग में मैंने 1800 रुपए की बैट लगा दी है, तो अब देखते हैं इसमें लॉस रिकवर हो पाता है या नहीं हो पाता, या फिर लॉस हो जाएगा। तो लॉस होगा तो मेरा 50,000 रुपए का पूरा लॉस हो जाएगा सारा मिला के, कल के 30,000, आज के 20,000। और अगर प्रॉफिट होता है तो ये भी देखना है कि कितने का प्रॉफिट हुआ है लॉस रिकवर होने के बाद, ठीक है। अगर इस बार फिर से मेरा प्रॉफिट नहीं होता गाइस, अगर लॉस हो जाता है, तो मैं फिर से यहीं से 20,000 रुपए का रिचार्ज करके गेम प्ले करने वाला हूं दोबारा से। तो देखेंगे टोटल इसमें रिचार्ज मेरा कितने का होगा। अभी तो 50,000 का हो चुका है, 70,000, 90,000 जितने का भी होगा, उसके बाद प्रॉफिट देखेंगे टोटल प्रॉफिट कितने का होने वाला है। अगर आप लोगों को भी गेम प्ले करनी है गाइस, अपडेट वर्जन चाहिए आप लोगों को, न्यू वर्जन चाहिए, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जैसे ही आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाते हो तो सबसे टॉप पर एक वेबसाइट का लिंक होगा अर्निंग बॉक्स के नाम से। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करेंगे, तीनपति मास्टर, तीनपति गोल्ड की सारी एप्लीकेशन शो करेगी। आप किसी भी लिंक से डाउनलोड करके गेम प्ले कर सकते हो। तो 26,000 रुपए का मेरा मेगा विन लगा है, टोटल अमाउंट 35,000 रुपए हो चुका है। 15,000 रुपए का लॉस रिकवर हुआ है, अभी 15,000 रुपए और करने बाकी। ओ भाई, और बच गया भाई साहब, मेगा विन लग गया गाइस। देखो मेरा 24,000 रुपए का, तो मेरा सारा अमाउंट रिकवर हो चुका है, अभी देखते हो। ओ भाई, ओ यार, डैम भाई, फिर से लगने वाला था सुपर विन, बट फिर भी कोई बात नहीं, मेगा विन लगा है अच्छा खासा। टोटल अमाउंट देखो मेरा 72,000 रुपये हो चुका है। तो 70,000 रुपये इस वक्त मेरा अमाउंट है, देखा जाए तो मेरा 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। सारा लॉस मेरा रिकवर हो चुका है, अब तक मैंने इसमें 50,000 रुपये ऐड किए हैं और मेरा टोटल प्रॉफिट 20,000 रुपये का हो चुका है। तो देखते हैं लास्ट तक कितना प्रॉफिट होता है, या फिर जितना भी मेरा अमाउंट है सारा लॉस हो जाएगा। जैसे कि अभी मेरा 65,000 रुपये बचे हैं, तो मैं गाइस प्रॉफिट में चल रहा हूँ। अगर ये लॉस हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा गाइस रिकवर करना पूरा अमाउंट, क्योंकि अगर मैंने इसमें 50,000 का रिचार्ज कर लिया, फिर मैं 20,000 का और रिचार्ज करूंगा, तो टोटल रिचार्ज 70,000 का हो जाएगा, वो रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। 10, 20, 30, 40 तक का हम लॉस रिकवर कर सकते हैं इसमें, उसके ऊपर अगर पहुंचता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है लॉस रिकवर करने के लिए। फिर तो एक भाई सुपर विन ही बचा सकता है, अगर बचा सकता है तो लॉस रिकवर होगा तो सुपर विन से ही होगा। अगर जैकपॉट भी आता है गाइस, तो वो भी कम अमाउंट का ही आता है, 50,000, 60,000, 70,000 तक का ही आता है लास्ट। अगर सुपर विन आया तो 1,00,000 पार भी कर जाता है, तो सुपर विन से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अगर सुपर विन लगता है तो सुपर विन से अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर मेरा सारा लॉस रिकवर हो गया, अभी भी 10,000 रुपए का प्रॉफिट है, चाहूं तो मैं बैक हो सकता हूं। अगर 2 दिन में मैंने लॉस रिकवर करने के बाद 10,000 रुपए भी बचा लिया गाइस, तो भी वो बहुत होते हैं। 10,000 रुपए अगर 2 दिन में अर्निंग करता हूं, तो 5,000 रुपए पर डे, इस हिसाब से बहुत ही ज्यादा मेरी अर्निंग हो जाएगी। बट मेरा क्या है, मेरा टारगेट है कम से कम मुझे 20,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने का। जैसे कि अगर 50,000 रुपये का रिचार्ज किया, तो 70,000 या फिर 80,000 भी अगर आ पाते हैं, तो 80,000 रुपये मैं कर लूँगा गाइस, उसके बाद मैं कैश विड्रॉ कर लूँगा सारा, क्योंकि प्रॉफिट तो होना ही है, प्रॉफिट तो होना बनता है गाइस। तो देखेंगे प्रॉफिट होगा तो ही मैं बैक होऊंगा, वरना सारा लॉस कर जाऊंगा, फिर देखेंगे इसको लॉस को रिकवर कैसे करते हैं। ओ भाई, ओ यार, फिर से देखो गाइस सुपर विन लगने वाला था, जैकपॉट की जगह अगर वाइल्ड आता या फिर ग्रीन क्रिस्टल आता तो जैकपॉट, ओ सॉरी, सुपर विन लग जाता और मजा ही आ जाता। सुपर विन लगता तो कम से कम 70,000-80,000 रुपए से ऊपर का ही सुपर विन लगता, तो टोटल अमाउंट मेरा 1,50,000 तक का बैठ जाता, बट नहीं लगा है, कोई बात नहीं, मुझे लगता है लगेगा, बहुत ही नज़दीक है, सुपर विन तो लगने वाला है, क्योंकि साइन आ रहे हैं गाइस सुपर विन लगने के। अगर सुपर विन नहीं आता तो जैकपॉट से ही प्रॉफिट हो जाएगा, अगर जैकपॉट आता है तो, बट जैकपॉट आएगा नहीं आएगा उसका कंफर्म नहीं है, लेकिन सुपर विन का तो भाई 90% कंफर्म हो रहा है, क्योंकि बार बार सुपर विन आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि सुपर विन पास में ही आ सकता है। हाँ, ये देखना है कि सारा लॉस होने के बाद लास्ट में जैकपॉट आता है या फिर लास्ट में सुपर विन आता है। अगर सुपर विन दूसरे रिचार्ज पे आया गाइस, जैसे कि मैंने 30,000 का रिचार्ज पहले किया था 20,000 का, अब अगर ये सारा लॉस हो जाता है, उसके बाद 20,000 का रिचार्ज और करता हूँ, उसके बाद सुपर विन आता है, तो भी प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 70,000 रुपये मैंने ऐड किए होंगे और 90,000 रुपये तक का सुपर विन तो लगेगा ही लगेगा, 100% इतने का तो लगता ही है, इससे ऊपर ही लगता है, तो भी मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर इस वक्त भी मेरा जैकपॉट आता है गाइस 1,800 रुपये की बैट में, तो 60,000 का तो लगेगा ही लगेगा, तो भी 1,00,000 रुपये हो जाएगा, तो भी मेरा इसमें प्रॉफिट हो जाएगा पूरे 50,000 का। और गाइस मास्टर एक्स पर पूरे 28,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, और जैसे ही 2,000 और इंक्रीज हो जाते हैं उस पर, यानी कि 30,000 सब्सक्राइबर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे, तो पूरे 50,000 रुपए का गिव अवे होने वाला है, वो भी पूरे 20 लोगों के लिए होगा 50,000 रुपए का गिव अवे, या फिर 25 लोगों के लिए रख देंगे, 2,000 रुपए एक को कर देंगे, ठीक है, हर एक विनर को 2,000 रुपए कर देंगे, तो इस हिसाब से गिव अवे होगा। तो देखते हैं एक महीने के अंदर अंदर अगर 30,000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो मजा आ जाएगा। फिर अरमान अंसारी एक्स पर भी अगर 15,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो उस पर भी पूरे 50,000 रुपए का गिव अवे होने वाला है गाइस, ठीक है। तो फटाफट से जितनी हो सके मेरी वीडियो शेयर किया करो गाइस, ताकि और लोग सब्सक्राइब करें और मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो और आपके लिए गिव अवे भी तैयार हो जाए, ठीक है। तो
तो अभी देखो टोटल अमाउंट मेरा 21,000 रुपये बचा है, सारा लॉस हो गया है, मैंने गलती कर दी गेम प्ले करके, 70,000 रुपये हो गए थे मेरे को वो विड्रॉ कर लेने चाहिए थे गाइस, फिर भी मेरा 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादातर ओ भाई यार फिर से मेगा विन, देखो सुपर विन लग सकता था। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि लास्ट में जो अमाउंट बचता है उसकी हम बैट लगाते हैं तो वहाँ पर जैकपॉट आता है, ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि 1800 रुपये की बैट लगा रहा हूँ, लास्ट में अगर 1800 रुपये कुछ बचते हैं, 1800 रुपये की बैट लगती है या फिर 900 रुपये की भी बैट लगती है तो जैकपॉट आ जाता है। तो अगर ये फिर से ऐसे ही होने वाला है तो मेरा नुकसान हो जाएगा इस तरीके से, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, सुपर विन लगना चाहिए जब जाके प्रॉफिट होगा। तो अभी मेरा लॉस हो रहा है और फिर इसके बाद मुझे एक और रिचार्ज करना पड़ेगा गाइस लॉस रिकवर करने के लिए, अगर उसके बाद भी मेरा इसमें लॉस रिकवर नहीं होता तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर इसके बाद भी मैं 20,000 का रिचार्ज भी करता हूँ, सुपर विन भी लगता है तो 90,000 का रिचार्ज हो जाएगा टोटल, अगर 20 के बाद 20 का करता हूँ तो फिर इतने का ही सुपर विन आता है, फिर खेलने का कोई मकसद नहीं रहता गाइस। तो देखते हैं अभी कुछ होने वाला है नहीं होने वाला, 18,000 रुपये बचे हैं, टोटल 10 बैट है मेरे पास, तो देख लेते हैं 10 बैट के अंदर अंदर कितना प्रॉफिट होता है या फिर लॉस हो जाता है। एक गई, अभी दूसरी बैट चल रही है, तो दोनों बैट में कुछ नहीं मिलता है, तीसरी बैट लगा दी गाइस मैंने, 1800 रुपये की हाई बैटिंग चल रही है, तीन खाली जाती है, अभी चौथी चल रही है तो ये भी खाली जाती है, अभी पांचवी स्पिन मैंने कर दी है गाइस, देखते हैं क्या होने वाला है, ये भी खाली गई, जैकपॉट आया गाइस, साइन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जैकपॉट पास में ही है, तो ये वाली स्पिन भी खाली चली गई है। अब सिर्फ इसके बाद तीन स्पिन और रह रही है गाइस, देखते क्या होने वाला है, चार स्पिन हो गए क्योंकि 3,000 रुपये मिल चुके हैं। ओ वाई लग गया, फाइनली जैकपॉट लग चुका है, देखो तुम्हारे भाई ने जैकपॉट पकड़ लिया गाइस, 69,670 रुपये का जैकपॉट लगा है, टोटल सुपर विन के साथ प्रॉफिट जो होता है 89,670 रुपये का। अभी टोटल अमाउंट देखो गाइस मेरा 90,000 प्लस हो चुका है, यानी कि पूरा सीधा सीधा मेरा 40,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है लॉस रिकवर करने के बाद भी। तो मैंने लॉस रिकवर करके आप लोगों को दिखा दिया है, कल मेरा लॉस हुआ था 30,000 का इसी आईडी में, तो मैंने 20,000 का रिचार्ज करके 50,000 का हटा के सीधा सीधा 40,000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया है। अगर दो दिन का हमारा इसमें प्रॉफिट देखा जाए तो 20,000 रुपये एक दिन का प्रॉफिट मेरा हो रहा है, यानी कि दो दिन का 40,000 रुपये प्रॉफिट हो चुका है गाइस, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, जैकपॉट आया, चलो उससे ही मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, मुझे लगा था कम का जैकपॉट आएगा बट फिर भी बहुत ज़्यादा जैकपॉट आ गया है, और सुपर विन के साथ आया तो 90,000 तक का जैकपॉट लग गया है मेरा। अभी देखते हैं टारगेट रख लेते हैं 1,00,000 तक का, 1,00,000 रुपये हो जाते तो बैक हो जाएंगे, वरना 80,000 रुपये से ही खेलेंगे बस, 80,000 रुपये तक, और उसके बाद 80,000 रुपये कैश विड्रॉ कर लेंगे, फिर भी मेरा इसमें 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो 40,000 का प्रॉफिट तो हो गया था, अभी देखते हैं क्या होने वाला है, अमाउंट कम होगा या फिर बढ़ेगा। तो भाई 84,000 बचे, अब 83,000 बचे हैं, अभी दो स्पिन और लगा सकते हैं, देखते हैं, अभी एक ही लगा सकते हैं फिलहाल तो, बाकी उसके बाद 900 के लगाएं, नहीं लगेगा। ओ भाई मेगा विन लग गया है गाइस, 17,000 रुपये का मेगा विन लगा, टोटल अमाउंट 97,400 रुपये बचे, अभी फिर से खेल लेते हैं, देखते हैं, हो गया पूरा, हो गया भाई बिग विन आ गया है पूरा, 1,511 रुपये हो चुके हैं गाइस, मेरा टारगेट पूरा हो गया, पूरा 1,00,000 रुपये हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, थोड़ी कम की बैट लगा लेता हूँ, 180 रुपये की बैट लगा लेते हैं, देखते हैं क्या पता अभी सुपर विन लग जाए या फिर इपिक विन लग जाए, इसमें कुछ तो अमाउंट मिलेगा, 10-20,000 रुपये अगर और बढ़ते हैं तो अच्छी बात। ओ डैम यार फ्री स्पिन आई है तीन, अगर 1800 रुपये की ही बैट चल रही होती, सॉरी 5 फ्री स्पिन आई है, अगर 1800 रुपये की बैट चल रही होती तो मजा आ जाता, बट कोई बात नहीं, देखते क्या मिलने वाला है 180 रुपये की बैट में, टोटल प्रॉफिट देखेंगे फिर इमेजिन करेंगे कि अगर ये 1800 रुपये की बैट होती तो कितना प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। अभी मेरा अमाउंट 1,00,000 रुपये बचा है पूरा, मैं 1,00,000 रुपये विड्रॉ करने वाला हूं, तो मेरा सीधा सीधा 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। चलो हटा ही देते हैं, इसको ज़्यादा अमाउंट मिला नहीं है, कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं गाइस, अब ये लास्ट है, इसके बाद एक और स्पिन करेंगे फिर बैक हो जाएंगे, तो देखते हैं कुछ आता है नहीं आता, नहीं कुछ नहीं आया, अब हो जाता है बैक गाइस, इतना ही बहुत है आज के लिए, कल खेलेंगे दूसरी आईडी में गेम प्ले करेंगे, देखते हैं सीरीज बाय सीरीज खेल पाते हैं या नहीं खेल पाते हैं, ठीक है। तो मेरा तो लॉस रिकवर हो गया है, सारा ही लॉस रिकवर हो गया है, देखो गाइस मेरा इसमें लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है, सीरीज बाय सीरीज में आप लोगों को गेम प्ले करके दिखाता हूं, विनिंग पैच चेक कर लेते हैं, विनिंग पैच कितना है, तो विनिंग पैच भी पूरा आया है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।